रीट 2022 सिलेबस लेवल सेकंड जो क्लास 6 to 8 का होता है, इसमें हम हिंदी की लैंग्वेज सेकंड पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चंस 30 होते हैं और कुल अंक भी 30 नंबर का ही होता है। इसकी पहली यूनिट है जिसमें एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे। सबसे पहले एक गद्यांश आएगा और सेकंड यूनिट में एक पद्यांश आता है, लेकिन गद्यांश के अंतर्गत जो आपके प्रश्न आएंगे वो व्याकरण से संबंधित आएंगे। तो हमें पहली यूनिट के अंतर्गत जो व्याकरण के टॉपिक पढ़ने हैं, पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर ही हमें वर्ण विश्लेषण भी पढ़ना है, वर्णों को विश्लेषित करना है। सेकंड है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों को पढ़ना है। ये युग्म शब्द जो 2021 में सिलेबस चेंज हुआ था उसके अनुसार ज्वाइन हुआ था और अभी भी वैसे ही टॉपिक है। कुछ चेंज हिंदी में और साइको में चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में, थोड़ा बहुत जो सिलेबस में चेंज हुआ है वो SST के अंतर्गत हुआ है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। शब्द को शब्दकोश क्रम में लिखना, जो हम हिंदी की डिक्शनरी होती है, हिंदी की डिक्शनरी के अंतर्गत हम शब्दों को कैसे क्रम में देखते हैं उसके बारे में, और शब्दों के मानक रूप लिखना। हम जो शब्द लिखते हैं क्या वो सही, परिनिष्ठित, परिशुद्ध होते हैं? मानक मतलब परिनिष्ठित, जो मान्य हो, देवनागरी लिपि के अनुसार जो मान्य हो, उन शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, ये 17 टॉपिक्स हैं जो हमें यूनिट 1 के अंदर पढ़ने हैं। आज हम वर्ण विचार सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम हिंदी की यूनिट 1 में वर्ण विचार पढ़ेंगे आज। इससे पहले हमें हिंदी व्याकरण में समझना होगा कि हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आपके वर्ण विचार और शब्द विचार यूनिट 1 में रखे गए हैं और वाक्य विचार यूनिट 3 में रखी गई है। हिंदी व्याकरण अपने आप में पूर्ण जब बनेगी जब हम इन तीनों को पढ़ेंगे। वर्ण से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है। एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो सबसे पहले उसको वर्णों की पहचान कराई जाती है, हिंदी के अंतर्गत वर्णों की पहचान कराई जाती है। फिर वो थोड़ी कक्षा का स्तर बढ़ता है, शब्द और फिर कक्षा का स्तर बढ़ता है तो वाक्य। आज मैं आपसे बात कर रही हूं, ये किसके आधार पर बात कर रही हूं? भाषा के आधार पर। तो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी। और वर्ण क्या होते हैं? आ ई ऊ, ये सब क्या है? वर्ण है। क ख घ वर्ण है। और वर्णों से शब्दों का निर्माण होगा। शब्द की परिभाषा होगी वर्णों का सार्थक समूह। यह हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अर्थ के आधार पर जैसे अब, घर, जाना, ये सब शब्द क्या है? अर्थ निकल रहा है। अर्थों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे नर्सरी में बच्चा अ आ वर्ण सीखता है, फिर उसका कक्षा स्तर बढ़ता है तो वो 2 शब्द वाले, 3 शब्द वाले, 4 शब्द वाले शब्दों का ज्ञान ग्रहण करता है। फिर शब्दों के बाद वाक्य बनते हैं, जिसकी परिभाषा ये होगी कि शब्दों का सार्थक समूह। या दूसरी परिभाषा, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। शब्द पर ध्यान देना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। इसमें सिर्फ सार्थक शब्द है, सार्थक वर्ण है, और इसके अंतर्गत क्या है? भाव है। जैसे अब, घर, चल, ये सब वर्ण है। अलग अलग देखे तो अ, ब, ग, र, चल, ये अलग अलग वर्ण शब्द बने। अब, घर, चल, और इसको एक साथ पढ़ेंगे अब, घर, चल, एक भाव उठा तो इसका क्या बना? निर्माण हुआ वाक्य। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो हमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना आवश्यक है। आपकी पहली यूनिट के अंदर पहला टॉपिक जुड़ता है वर्ण विचार। क्या है वर्ण विचार जो हमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना आवश्यक है? आपकी पहली यूनिट के अंदर पहला टॉपिक जुड़ता है वर्ण विचार। क्या है वर्ण विचार और पढ़ना क्यों आवश्यक है? आज मैं आपसे बात कर रही हूं
वर्णों के आधार पे शब्द बने और शब्द के आधार पे वाक्य बने, और वाक्य ही तो आपके आपको मैं आदान प्रदान कर रही हूं, मेरे भाव ही तो मैं आपको आदान प्रदान कर रही हूं, यही क्या है भाषा है। और वर्णों से ही बनती है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप अ को तोड़िए, तोड़िए अ को, ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्या इसका कोई अर्थ रहा? नहीं रहा। 3-1 पड़ेगा कोई, लेकिन इन सबको जोड़ते ही क्या बनेगा? अ। तो जब तक ये है इसको कोई तोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। एक सिंपल सी परिभाषा ये है, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। लेकिन अगर प्रश्न आए मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण नहीं होगी, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, आवाज। मौखिक है और अलिए, तो ये क्या है? आवाज, ध्वनि है। वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, ई, क, ख, घ, ये सारे। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। इसको नोट करिए कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, अर्थात जब किसी अक्षर अथवा वर्णों के समूह को मौखिक रूप दे दिया जाता है तो वह ध्वनि होती है। आज मैं बोल रही हूं ये सब क्या है? ध्वनि है, लेकिन जैसे ही मैं इन्हें लिखूंगी तो यह वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, बोल रही हूं तब तक ध्वनि है, लेकिन जैसे ही अभी ये लिखे हुए हैं ना तो ये क्या है? वर्ण है। अब वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है? जैसे कमला ध्वनि बोलेंगे तो क म ला, तीन आ गए, तीन वर्ण बोलूंगी। लेकिन अगर मैं कहूंगी वर्ण कितने, तो हम व्यंजन से क को, क के, क जो व्यंजन है उससे स्वर को अलग करेंगे अ, म से स्वर को निकालेंगे अ, और ल से आ की मात्रा है ना, इसको निकालेंगे आ। तो कितने वर्ण हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वर्ण हुए। आपको पता है व्यंजन हमेशा स्वर के सहयोग से लिखा जाता है, तो व्यंजन से जब हम स्वर को निकालेंगे तो नीचे हलंत आएगी, क्योंकि यहां पर क क्या हो गया? आधा। और पूर्ण कब बनता है? जब स्वर लगता है उसके साथ। तो वर्ण तो कितने हुए? 6, और ध्वनि कितनी हुई? क म ला, तीन ध्वनि हुई। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। स्टूडेंट इसको नोट करिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। अब हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। ठीक है, स्वरों को किसी का भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, वह मुख विवर से मतलब मुख से अबाध्य रूप से स्वतंत्र रूप से निकलते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, संस्कृत में लि भी लगता है, लेकिन हमें हिंदी पढ़ रहे तो हमें हिंदी का ध्यान रखना चाहिए कि स्वरों की संख्या 11। अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। और मात्राओं की संख्या 10। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी इन सब की 10 मात्रा। आ की, ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की, ए की एक मात्रा, ए की, ओ की, औ की, तो 10 मात्राएं ये। अब व्यंजन, स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन स्वरों के बिना हो ही नहीं सकते, अगर होंगे तो वो आधे होंगे। ठीक है, इन्हें पूर्ण करने के लिए स्वरों का सहयोग लेना ही होता है। मुख विवर से जब भी निकलेंगे तो स्वर की सहायता से ही निकलेंगे व्यंजन। मुख विवर मतलब मुंह से। व्यंजनों की संख्या 33 है। क से लेके म मछली तक, म तक 25 व्यंजन होते हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि क से म तक 25, इनको आगे हमें पूरा बताऊंगी, क से म तक कौन कौन से वर्ण, और य, र, ल, व, 4 वर्ण होते हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन या अल्प प्राण भी कहा जाता है। मैंने आपको ट्रिक्स में बताया था कि अल्प प्राण महाप्राण कौन से होते हैं, तो य, र, ल, व, जिन्हें अंतस्थ व्यंजन और अल्प प्राण भी कहा जाता है, श, ये 4 होते हैं जिन्हें महाप्राण और उष्म व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में, इन लाइन को ध्यान से सुनिएगा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, 44, 11 स्वर, 33 व्यंजन। लेकिन प्रश्न आ जाए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। इस वर्णों के आगे अगर कुल लगा हुआ है तो 52,
अगर सिर्फ वर्णों की संख्या है तो 44 है, स्वर और व्यंजन के बारे में पूछा गया है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या, क्योंकि इसके अंदर हम क्या अयोग वा ध्वनियां जुड़ जाती है, उत्क्षिप्त व्यंजन जुड़ जाते हैं, संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं, तो मिलाकर के 52 होते हैं। हिंदी निर्देशालय 1966 के अनुसार और हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, इसीलिए हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल वर्ण बनोती है। अब 52 कैसे? स्वर 11, अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ। व्यंजन ये 5 वर्ग मैंने बताए थे आपको ट्रिक्स के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, ये क से लेके म तक पूरे स्पर्शी व्यंजन होते हैं जो 25 होते हैं, और ये 4 यर ल व श श स ह, तो ये टोटल 33 व्यंजन होते हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ढ ड। आप ध्यान रखिए, देखो इसके नीचे बिंदी नहीं है, ड डमरू और ड ढक्कन में इसके नीचे बिंदी है, इनको ताड़न जात भी कहते हैं, जो बहुत घर्षण से बहुत मेहनत से मुख से निकलते हैं, ढ ढ, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। और 2 ध्वनियां हैं अयोग वाह, अह और अ, अ से अंगूर और अह, ठीक है। संयुक्त व्यंजन 4, क्षत्रिय त्रिशूल ज्ञानी श्रमिक। श्र किससे बनता है? क और षटकों श्र से बनता है, और अ स्वर लगता ही है, आपको पता है बिना व्यंजन स्वर से पूर्ण होता ही नहीं है। जब हम इनका वर्ण विश्लेषण करेंगे, इसका वर्ण विश्लेषण क षटकोण और अ से मिलकर बनता है। कभी भी आ जाए कि इसका मान लो ये शब्द आ जाए क्षत्रिय, तो आप इसका वर्ण विश्लेषण कैसे करेंगे? पहले क को तोड़ेंगे, क षटकोण श और अ, ठीक है। फिर त्र, त्र किससे मिलकर बनाए? त र, और अब इसमें कौन सी ई की मात्रा जुड़ी? छोटे ई की मात्रा, तो ई। फिर य और अ, ये क्या हुआ? वर्ण विश्लेषण हुआ, जो हम इस पूरे स्वर व्यंजन को पढ़ाने के बाद लास्ट में समझेंगे। तो इसी प्रकार ज ज्ञानी, ज और र और अ के मिलने से बनता है, श्र श्रमिक, श र और अ के मिलने से बनता है। धन्यवाद।